हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करते हैं तो एफ वन में सब टॉल आता है हमारे पास, यही पढ़ा था हमने। इसके बेसिस पे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रपोज किया था, हमने क्या मेंडल ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहला जो डेविएशन आता है मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस से दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखा गया कि इन प्लांट सच एज एंटी राइनम मेजस विच इज ऑल्सो नोन एज स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर। ठीक है, इस प्लांट में क्या देखा गया कि व्हेन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ट्रू ब्रीडिंग पिंक फ्लावर व्हाइट फ्लावर प्लांट इन एफ वन जनरेशन ऑल द प्रोजेनी आर पिंक। ठीक है, सारे के सारे प्रोजेनी क्या है, पिंक है। और जब एफ वन को सेल्फ किया गया कैपिटल आर स्मॉल आर इज क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर दिस वॉज ऑप्टिमम। दैट इज वन रेड टू पिंक एंड वन व्हाइट। ओके, दैट इज ए फिनोटिपिक रेशियो ऑफ वन इज टू टू इज टू वन इज ऑप्टिमम एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ वन इज टू टू इज टू वन इज ऑप्टिमम। मतलब यहां पे क्या है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या है, सेम है, है ना। अब ये सिग्निफिकेंट डेविएशन था मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंस से। क्यों डेविएशन था, देखो यहां पे एफ वन जो है इट इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पैरेंट। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता तो एफ वन विल रिजेंबल वन ऑफ द पैरेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ओके कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज पॉस्टुलेटेड। According to this law, capital R is not completely dominant over small r. जो capital R है वो completely dominant नहीं है small r पे, और small r is somehow able to dilute the expression of capital R. This is referred as incomplete dominance. कहीं कहीं पे आप बुक में पढ़ोगे इसके लिए ये लोग टर्म यूज कर लेते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, लेकिन ये गलत है, ब्लेंडिंग नहीं हुआ है यहां पे। आपको देखना ऐसे क्वेश्चन ही मिल जाएगा बुक वगैरह गाइड वगैरह, लेकिन वो गलत है क्योंकि ये ब्लेंडिंग नहीं हुआ। अगर ब्लेंडिंग हो गया होता तो हमेशा हमारे पास व्हाइट फिर आता नहीं, ट्रेट कभी भी ब्लेंड नहीं होता है, उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है बट ब्लेंड कभी नहीं होगा। तो टर्म ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इज नॉट करेक्ट,
यहां पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि यहां पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो सिमिलर है, दोनों एक जैसा है, 1:2:1। समझ में आया ये पॉइंट? अब देखो यहां पे एक चीज जो और ध्यान रखना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही जीन के दो अलग अलग टाइप के एलील है। सो बेसिकली दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन, दिस इज इंट्रा एलिलिक, मतलब एक ही जीन के डिफरेंट एलील के बीच का इंट्रैक्शन है ये, वी कॉल इट इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन। और ये जो एग्जाम्पल इसका है एंटीराइना मेजस या स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर, एक और एग्जाम्पल है इसका दैट इज मिराबिलिस जलापा और इट इज ऑल्सो नोन एज 4 o'clock फ्लावर। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए तो उसको लिख लीजिए, फिर ये बोर्ड में रायता फैला हो समेट लीजिएगा, लिख लीजिए। इन केस ऑफ प्लांट्स सच एस एंटीराइनमेजस और स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर, एंटीराइनमेजस और स्नैप ड्रैगन और डॉग फ्लावर, एंड मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock प्लांट, व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट, व्हेन ए ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन ऑल द प्रोजेनी प्रोड्यूसेस, इन F1 जनरेशन ऑल द प्रोजेनी प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर प्लांट, पिंक फ्लावर प्लांट, एंड व्हेन F1 इज सेल्ड ए फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ One is to two is to one is obtained. That is, there is incomplete dominance that is there is incomplete dominance that is capital R is not completely dominant over, that is capital R is not completely dominant over, not completely dominant over small r, small r, or small r is somehow, small r is somehow able to dilute the expression of capital R is not completely dominant over small r। इसका मतलब कि
अगर ये कंप्लीटली डोमिनेंट होता तो यहां पर रेड फ्लावर आता, पिंक नहीं आता, ठीक है। दिस इज एन इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन, दिस इज एन इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन, इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा कि ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, ब्लेंडिंग नहीं है ये। आपको क्वेश्चन भी ऐसा मिल जाएगा, लोगों ने बना दिया है क्वेश्चन, वो गलत है। अगर ब्लेंड करता तो फिर आपको व्हाइट नहीं मिलता, व्हाइट आपको आगे मिल जाता है। इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बोले कोई टर्म नहीं होता, बट इसी को बना के वो कहते हैं ब्लेंडिंग है, लाल और सफेद मिलकर पिंक हो गया। इसको बना लीजिए जल्दी से, चलिए रडन हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। हमें पता है कि जीन जो है वो पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है, इट इज इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग पर्टिकुलर ट्रेट। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच में स्टार्टिंग में ही बताया हूं कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, एंड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हर जीन के पास एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है टू कंट्रोल पर्टिकुलर ट्रेट। अगर आप डिप्लॉयड इंडिविजुअल को देखें, ठीक है, तो किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में ये जीन या फैक्टर है वो पेयर में होगा, हमेशा डिप्लॉयड में फैक्टर जो होता है वो पेयर में होता जीन। अब ये जो पेयर है इट कैन बी सिमिलर, ठीक है, जिसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, और इट कैन बी डिससिमिलर, ठीक है, जिसको हम लोग हेटरोजाइगस कहते हैं। ठीक है ना, अगर मान लो सिमिलर पेयर की बात करें तो कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी हो गया, और डिसिमिलर की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यही है। अब ये जो कैपिटल टी है ये नॉर्मली नेचर में होता है, इसको हम लोग कहते हैं अनमॉडिफाइड फॉर्म, अनमॉडिफाइड फॉर्म, और यही मॉडिफाई होके स्मॉल टी बना देता है, ठीक है, या और भी कुछ बना सकता है, टी डैश भी बना सकता है, ये कैपिटल टी डैश बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज उसके डीएनए में से कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि एक जीन का एन नंबर ऑफ एलील हो सकता है पॉपुलेशन में, बट इंडिविजुअल में हमेशा एलील जो है वो पेयर में होगा, ठीक है। तो जब ये अनमॉडिफाइड फॉर्म में है, सपोज करो कोई जीन है जो अनमॉडिफाइड फॉर्म में, मान लो कैपिटल टी है, ये एक अनमॉडिफाइड फॉर्म में है, इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम, ठीक है, ये कैपिटल टी इज इन अनमॉडिफाइड फॉर्म, इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम एंड दिस एंजाइम कन्वर्ट्स दिस सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आपको ट्रेट दिख जाएगा कि भाई सब्सट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो गया जो आपको चाहिए था। अब मान लो ये मॉडिफाई हो गया, नाउ दिस कैपिटल टी इज मॉडिफाइड, तो जब ये मॉडिफाई होगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। एक प्रोबेबिलिटी हमारा ये बन सकता है, इट विल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम और लेस
एफिशिएंट एंजाइम, या तो वही एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा मॉडिफाई होने के बाद, या हो तो रहा है लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं। दूसरा ये हो सकता है, इट विल प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। तीसरा ये हो सकता है, इट विल प्रोड्यूस नो एंजाइम। ये तीन प्रोबेबिलिटी है, आइदर इट विल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम और लेस एफिशिएंट एंजाइम, और इट विल प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, और इट विल प्रोड्यूस नो एंजाइम, और नो एंजाइम विल बी प्रोड्यूस। नाउ इन फर्स्ट केस व्हेन द मॉडिफाइड वन प्रोड्यूसेस लेस एफिशिएंट और नॉर्मल एंजाइम, इट विल कन्वर्ट सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट, सो एक्सप्रेशन विल टेक प्लेस। दैट मींस हियर द मॉडिफाइड वन इज सिमिलर टू अनमॉडिफाइड वन। मॉडिफिकेशन होने से भी जीन में कोई चेंज नहीं आया, वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण सब्सट्रेट प्रोडक्ट में हो रहा है। दिस इज वेरी कॉमन इन नेचर, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी कॉमन इन नेचर, एज अ रिजल्ट एक्सप्रेशन विल टेक प्लेस एंड सच टाइप ऑफ जीन इज रिफर्ड एज डॉमिनेंट जीन। व्हेयरएज इन नेक्स्ट टू केसेस वेयर देयर इज नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, सब्सट्रेट वोंट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सप्रेशन, एंड सच मॉडिफाइड वंस आर रिफर्ड एज रिसेसिव। समझ में आई है कि मैं ही समझा? समझ में आया? हाँ ना, कुछ बोलोगे? वाह कमलजीत, को समझ में आ गया, मुझे लगा मैं ही कंफ्यूज हो गया। अनूप सोनी को नहीं समझ में, एक बार और रिपीट कर दो प्लीज। वो तो मैं करूंगा, मुझे पता है। मैंने कहा कि हर जीन के पास, अब सुनो ध्यान से सुनो सब शांतिपूर्वक, मैंने कहा कि हर जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है किसी ट्रेट को कंट्रोल करने, ठीक है, वो एक्सप्रेस करेगा, जो मैंने बताया कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इंडिविजुअल में हमेशा जो है जीन पेयर में होता है, वो सिमिलर हो सकता है तो हो जाएगा उसको, क्या डिसिमिलर हो गया तो हिट हो जाएगा उसको। अब जो अनमॉडिफाइड वन है उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होता है, म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन टर्म मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना, बहुत सारे रीजन है, इसी चैप्टर में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो उसके डीएनए में चेंज आया जीन के, तो मॉडिफाई हो गया, ठीक है, ओके। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये मॉडिफाई होगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो एक जीन है जो कि किसी एंजाइम के लिए कोड करता है, ठीक है, वो एंजाइम सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, तो जब अनमॉडिफाइड है वो एंजाइम बनाएगा, और उससे जो एंजाइम बनेगा वो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो मॉडिफाई हो गया तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तीन प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोबेबिलिटी ये है कि वो जो जीन जो है वो एंजाइम बनाएगा, या तो एंजाइम नॉर्मल होगा या लेस एफिशिएंट होगा। पहला प्रोबेबिलिटी, इट विल प्रोड्यूस एंजाइम विच कैन बी नॉर्मल और लेस एफिशिएंट। दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, और तीसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो एंजाइम ही नहीं बनाएगा। तो पहले केस में जो मॉडिफाइड वन है, जब वो लेस एफिशिएंट या नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सो एक्सप्रेशन विल टेक प्लेस, ठीक है, एज सब्सट्रेट गेट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट देयर विल बी एक्सप्रेशन। दूसरे केस में क्या है
कि एंजाइम तो बना बट नॉन फंक्शनल है, तो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तीसरे केस में क्या है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, मतलब नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, तो सब्सट्रेट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा। तो पहला वाला जो मॉडिफाइड वन है, इट इज सिमिलर टू द अनमॉडिफाइड वन, द मॉडिफाइड वन इज सिमिलर टू अनमॉडिफाइड वन, एज अ रिजल्ट सब्सट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एज अ रिजल्ट एक्सप्रेशन विल टेक प्लेस। समझ में आया? Whereas in next two cases, the modified one is not able to convert substrate into product, so there will be no expression. So the this combination is very common in nature, where the modified one is similar to unmodified one, and they are referred as dominant. Whereas the next two cases, where there is non-functional enzyme or no enzyme is produced, they are referred as recessive because there is no expression. ठीक है, चलिए अब लिखिए, आपको लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा, लिखिए। Write down. Every gene have information for expression of a particular trait. Every gene have information for expression of a particular trait. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, देयर आर टू कॉपी ऑफ ईच जीन, देयर आर टू कॉपी ऑफ ईच जीन, there are two copies of each gene, they can be similar to one another, they can be similar to one another, known as homozygous, or dissimilar or dissimilar, known as heterozygous, dissimilar, known as heterozygous. In heterozygous individual, one of the gene have undergone some modification, in bracket write down mutation. ठीक है, next point लिखिए। For example, there is a gene which is responsible for production of an enzyme. There is a gene which is responsible for
प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम विच कन्वर्ट्स ए सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट विच कन्वर्ट्स सब्सट्रेट इनटू ए प्रोडक्ट when it is present in unmodified form next point likhi when this gene gets modified there are three probabilities first ye teenon likh lijiye write down these three it will produce normal or less efficient enzyme it will produce normal or less efficient enzyme second it will produce non functional enzyme third it will produce no enzyme ठीक है right on next point लिखिए in first case the modified allele is equivalent to unmodified one the modified allele is equivalent to unmodified one such allelic pairs are very common in nature and it will be able to convert substrate into product it will be able to convert substrate into product whereas in next two cases substrate is not converted into product So here the modified one is not able to give expression Thus, the unmodified one, which is able to give expression, is referred as dominant. And the modified one
which fails to give expression is referred as recessive. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, ये भी डेविएशन है, दैट इज कोडोमिनेंस. सेम चीज है जैसे हमने आपको बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को जो हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारे पास ये आता है डोमिनेंस. एफ वन रिजेंबल्स वन ऑफ द पैरेंट, बट को डोमिनेंस में क्या होता है, हेयर एफ वन रिजेंबल्स बोथ द पैरेंट्स. ठीक है, हेयर एफ वन विल रिजेंबल बोथ द पैरेंट एंड इट इज रिफर्ड एज को डोमिनेंस. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस इज ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन. ठीक है, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. तो जो ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन में, इट इज डिटरमाइंड बाय ए सुगर पॉलीमर. एक सुगर पॉलीमर होता है जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है. इट इज प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. ठीक है, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. नाउ प्रोडक्शन ऑफ दिस सुगर पॉलीमर इज डिटरमाइंड बाय ए जीन आई. एक जीन होता है कैपिटल आई, और सिंपली आई बोलो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस सुगर पॉलीमर. ये जो आई है ये तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई. दिस आई ए एंड आई बी इज एबल टू प्रोड्यूस दिस सुगर पॉलीमर. ठीक है, वेयर एज दिस स्मॉल आई फेल्स टू डू सो. ठीक है, अगर आई ए है तो ये भी सुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करेंगे एक टाइप का, आई बी दूसरे टाइप का, स्मॉल आई नहीं कर पाए. ठीक है, दिस आई ए एंड आई बी इज डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल आई. अगर आई ए के साथ स्मॉल आई प्रेजेंट है तो आई ए एक्सप्रेस करेगा, आई बी के साथ स्मॉल आई है तो आई बी प्रोड्यूस करेगा. बट वेन दिस आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टूगेदर, both will express themselves and as a result blood group becomes AB. तो उस individual में A वाला आई ए वाला भी sugar polymer होगा, आई बी वाला भी sugar polymer होगा, इसके कारण उस individual का blood group क्या हो जाएगा, AB. समझ में आइए, लिखिए समझ में आ जाएगा. राइट ऑन, कोडोमिनेंस. इन दिस एफ वन रिजेंबल्स, बोथ द पार्ट्स. In this, F1 resembles both the parents okay. One of the example of codominance is blood group in human done. Blood group in human depends upon
ए सुगर पॉलीमर present on membrane of RBC sugar polymer present on membrane of RBC this sugar polymer is produced by a gene I this sugar polymer is produced by a gene I it is present in three different forms it is present in three different forms that is IA IB and small I ठीक है नेक्स्ट वन लिखिए आई ए एंड आई बी इज एबल टू प्रोड्यूस सुगर पॉलीमर आई ए एंड आई बी इज एबल टू प्रोड्यूस सुगर पॉलीमर वेयर एज Small I fails to do so, whereas small I fails to do so. IA next one likhiye IA and IB is dominant over small I. IA and IB. Is dominant over small I next part likhe when IA and IB is present together when IA and IB present together both of them expresses themselves Both of them expresses themselves and as a result blood group becomes AB and this is known as codominance हाँ हो सकता अगर दो पैरेंट ए ब्लड ग्रुप के हो और प्रोजेनी का हो कैसे होगा बता दूंगा पहले ये लिख लो ठीक है दिस इज नोन एज codominance इसको बना लीजिए इस टेबल को जल्दी से बना लीजिए
ये आई ए आई बी स्मॉल आई ए आई बी आई तो जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप जल्दी से इसको बना लीजिए। ओके चलिए एक करेक्शन कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। वो जहां पे मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखाया है वहां पे मैंने इंट्राजेनिक कह दिया, वो इंट्राजेनिक नहीं इंटरजेनिक होगा, इसको ठीक कर लीजिए। बिटवीन सॉरी इंटर एलिलिक होगा, इंट्रा मैंने इंट्रा एलिलिक कह दिया, इट इज इंटर एलिलिक, बिटवीन एलील्स है, दो अलग अलग एलील के बीच में सेम जीन के, दैट इज इंटर एलिलिक या इंट्राजेनिक होगा, ठीक है उसको ठीक कर लीजिए। वो होगा इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक इंट्रैक्शन, ये भी उसी चीज का एग्जाम्पल है, ये भी इंट्राजेनिक है या इंटर एलिलिक है, ठीक है ओके। नाउ अभी किसी ने पूछा एक क्वेश्चन कि अगर दोनों पैरेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या प्रोजेनी ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है, एकदम हो सकता है। देखो ये ब्लड ग्रुप क्या है ए, तो अगर मान लीजिए एक पैरेंट है आई ए स्मॉल आई और दूसरा पैरेंट भी आई ए स्मॉल आई है तो ये तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना ओ ब्लड ग्रुप आई आई, समझ गए किसी ने पूछा था ना ये, ठीक है ना, जिसने पूछा समझ में आ गया ना, जिसने पूछा। अब देखो यहां पे एक ही जीन के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, आई ए भी है आई बी भी है और स्मॉल आई है, दैट मीन्स दिस एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग is also a very good example of multiple allele, multiple allele हमेशा population के level पे रहेगा, individual के level पे हमेशा allelic pair रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो next point लिखिए, ABO system of blood grouping is also a very good example of ABO system of blood grouping is also a very good example of multiple allele, ठीक है। आई थिंक 2016 या 2017 के पेपर में, 16 ही होगा शायद, आप देखना आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आया था कि एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जाम्पल ऑफ, तो देखो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ना ए बी ब्लड ग्रुप, प्लस डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है क्योंकि आई ए और आई बी जो है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज एग्जाम्पल ऑफ Multiple allele codominance and dominance, तीन चीज के example हो गया, multiple allele, dominance and codominance। एक question लिखिए तो better than one question, marriage between
ए मेल एंड फीमेल, आजकल बोलना पड़ता है, मैरिज बिटवीन ए मेल एंड फीमेल रिजल्टेड इन प्रोजेनी विच प्रोजेनी विथ ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप प्रोजेनी विथ ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल रिजल्टेड इन प्रोजेनी विथ ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप देन वॉट इज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स देन वॉट इज द बहुत बढ़िया बिरवानी जी वॉट इज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट तो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट क्या होगा देखो आई ए आई एंड आई बी आई ठीक है आप करके देख लो आई ए आई आई ए आई बी देन स्मॉल आई आई बी और आई आई तो ये ओ हो गया ये ए बी हो गया ये बी हो गया ये ए हो गया तो सारे ब्लड ग्रुप आ गए ठीक है समझ में आया क्वेश्चन ये क्वेश्चन था ए टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर अल्बिनिज्म ए टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर अल्बिनिज्म रिसेसिव कैरेक्टर इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड्स आर सब्सिक्वेंटली जर्मिनेटेड हाउ मेनी सीडलिंग वुड हैव अ पैरेंटल फिनोटाइप कह रहा है ए टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर अल्बिनिज्म रिसेसिव ट्रेट तो हेट्रोजाइगस है मतलब ये है ठीक है ये अगर रहता तो ये अल्बिनिज्म होता ठीक है अगर ये रहता तो डार्क होता तो ये कह रहा है हेट्रोजाइगस फॉर अल्बिनिज्म इज सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब आपस में इसको क्रॉस करा दिया ठीक है उसके बाद कह रहा है कि टोटल में 1200 सीड्स प्रोड्यूस हो रहा है और इसको जर्मिनेट किया उसके बाद कह रहा है कि इन 1200 में से कितना ऐसा होगा पैरेंट की तरह ही होगा निकाल लोगे सिंपल है देखो यही तो करना है ये दो हो गया 1/2 इंटू 1200 इक्वल टू 600 ठीक है समझ में आ गया चलिए ध्यान रखिए अपना धन्यवाद